जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से, तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को सतलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो, और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थाई निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूँ, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किशमिश सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूँ कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से, हम इसको भगवान मान रहे थे, अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता हैं, सबके जनक हैं, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं, यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पराकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है
जल पर निवास करने वाला, वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे और एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए। वही परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा वहाँ उस समय अशिक्षित थे और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और परमेश्वर कबीर देव जी अक्सर ज्ञान नहीं रखते और वो मंडलेश्वर और नकली कहा करते कि कबीर जी को अक्सर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि महर्षि करवाते रहे, स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं, मात पिता मेरे नाही, ना मेरे घरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हाँसी। परमात्मा कहा करते थे, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए, कट नियम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था क्योंकि हमें अक्सर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं, ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी, और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादाला ही काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे, राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से ही शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर
बहुत परिवर्तन हो गया और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानो बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी। बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई, क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी, ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे, ना ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का, कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत स्टोर कर भी ली किसी ने, तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती, जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया। और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गौरव समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी, एक रेडू में जिसको रथ बोलते थे, 6-6 खच्चर जोड़ के ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों उनको कहीं से निकाल ले जाते, ना सड़क थी, गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल लेकर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है, इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है, उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, कह मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूँ, और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को, के पुत्रो तुमने अभिमान वश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, इस संसार का मैं ही करता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है।
तो यहाँ भगवान कहते हैं कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यु काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूँ। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जो मालिक है उसका किता जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता दो ना करता, ये नो ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए इनका, इन नौ भगवान बना दिए। और कहते हैं दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई, दसवां एक भगवान और आवेगा काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था, अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था, वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग राजनेता, तो परशुराम जी ने आके उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़गी, जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदायी नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्म राज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो, परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोड से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिव्या में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है, ये कारण क्या है। अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने वह अनर्थ किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्मा ये तो हुआ सो हुआ,
अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचा कर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है और भी बदमाशी करता है, और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोड़ लेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है एक एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है, और दूसरा किला है उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, कीकर बबूल जाम गया है, एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया, और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ कर और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा, जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है वो, पर संवार कर छोड़ दिया करें चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती हैं तो और अच्छा दास को गणी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वत खोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ेगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासी। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये दो अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है, ये दास बताओ। इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है
उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जापते, इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्मा, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, ग्रीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में, फिर दोनों खाली होकर, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है, जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहाँ भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में, सन 1398 से सन 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके, और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके, और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं, ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं, उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी, जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की गर्मी में, उस समय उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं, वो कहता छोड़ दे मौज हो रही है, उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है सत्कर्म मान लेना, चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट अण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की, इस माया की भांग डाल दी
और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहाँ से पी कर टिट्टी बन कर से सोजने आ रहे हो, रस्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तुम सरपा में या बोल रहे नहीं, चल अपना काम कर, समझाने की चेष्टा करे तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। लेकिन फिर कितने दयालु हैं, एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है, और हम सारे भांग पिए पड़े, और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, और इसको हम भगवान कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने, कि देखो कितने अच्छे काजू किस्म सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे, ये किस लिए बना रखे। और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे से समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी किससे, बालाजी से, उनका पुत्र हो गया, और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। चार पांच सदस्य थे, सातवां छोटा सा लड़का था 3 महीने का। रस्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी, ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूलमय थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भक्त हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी वहाँ प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है। नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा जरा कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूँ तो न कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति कर, मैं भी भगवान की भक्ति करूँ, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा मेरे को। तो पुण्यात्मा हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे, अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं यहाँ चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती, आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहाँ पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको ये भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं धर्मदास सुन अमर कहानी अपनी महिमा हम आप बखानी, कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के, इस मेरी महिमा को बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा, सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, 3 गुण इनके ऊपर प्रभावी है,
इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई जो बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता इन बोली आत्माओं को, इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति हैं, वो ब्राह्मणों का लड़का था और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जुड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लग गया, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे, कोई गुरु नहीं लेकिन चा भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी वो भी इष्ट, यानी हमने 36 खसम कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए, तो परीक्षा में पास होते थे, हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते, बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे विवाह हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है, हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं भूल का भेद मत करना, काल ना हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, स्थिति उत्पत्ति संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर, अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान किसी जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इन से ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना मना लेखा, जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से, स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अभिमानी बन गए हैं, इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूँ, इनका मित्र का काम कर रहा हूँ। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हों, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ, श्री कृष्ण से निकल कर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सबको खाऊंगा। तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूज रहे हैं, देख फूटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे हैं, वो कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि तो मरना जीना लगा हुआ है, वाह भाई वाह, फिर क्या जीवन यहाँ पर, सारा जीवन खो देता है प्राणी अपने कोठी बंगले बनाने में, एक मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिरे, जुलूस काट देता है हमारा, ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए, और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर कर झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे, इसे नीच की वो गुरु बना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी, ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है, और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह कर गए कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दू तू नाम दे दिया करे, इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं, एक अनमोल जीवन मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं ही नाम देते थे, उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता, वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते,
इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था, और आज इस दास को अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए आप फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है, और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे। जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500-500 के, जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट्स साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी, ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते। मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है, और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है। इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के, इनके विद्वान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दिए, किसे विद्वान थे इनको कख भी पता नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अभी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं हैं। लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए, क्योंकि आप धनी आत्मा हो जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की। फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और आप देख रहे होंगे मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई, और मैंने सपने में जैसे मैं कार ले खरीद ली और बैठ के कार में और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं, तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी छोड़ थी रजाई, उसका माँ का पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेक कड़े लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी, और वह रजाई और पाट ली लात मार मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगे आपका, चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी, और फिर देखो कितनी दुर्गति करता आपकी। पहले तो तपतशिला पर डाले जाओगे, एक स्थान ऐसा होता है वहाँ से अचानक यम दूतों के हाथों से भी जीव निकल जाता है, तपतशिला पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उसे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं,
और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा। और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यू कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में पीट पड़ के तपतशिला पर बुन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यू नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर जहाँ आशा तहाँ बादशाह हुई, कहते कि तो गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफ़ी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, उनके भगत तो भूत बन गया ही, वे अब कौन ही अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सत भक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने तो कैसा अलग है, क्या फायदा मिलता है, नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूट है पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गदा बन गया, होगी मुक्ति तेरे की। अरे इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही झंझट मिटे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब प्रसंग चल रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे परमात्मा की आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही है, ढूंढ रही है, खोज रही है, तो परमेश्वर कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ाने जिला सज्जर वाले, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले थे, आदरणीय गीसा साहेब जी को मिले थे, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले थे। जैसा भगवान मिलता है अपनी अच्छी आत्माओं को, उसका विधान है, वेदों में वर्णित है, उस अनुसार वो परमात्मा गरीबदास साहेब जी को मिले थे। सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा से परिचित होकर के आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर की महिमा फिर अपने शब्दों में उनसे सुने ज्ञान को कैसे वर्णित किया था। उन्होंने क्या बताया कि ये प्यारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही हैं, कोई कहीं, कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या तीर्थों पर जाते हैं, वहां पर मेले भरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेले ठेल जाइयो, मेले भड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा कहते इस परमात्मा की खोज ना बंद ना करियो, इसमें हार मत मानना, लगे रहना, जाते रहना कहीं कहीं, जैसे तुम भटक रहे थे लेकिन लाभ तो कोई था नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं कि धार्मिक मेले जहाँ होते हैं अवश्य जाते रहिए। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाए, उन पत्थर पानी में धक्के खाते भटकते रहने से हो सकता है भगवान दया करें कोई साधु संत मिल जाए। अब पहले तो साधु संत मिलते भी थे, तो थोड़ा बहुत कुछ दिन हम संग करते थे उन महापुरुष के, स्वयं आते थे, कबीर परमात्मा भी साधु रूप में जगह जगह भक्ति जीवित रखने के लिए लीला किया करते थे।
फिर अपने से परिचित कराकर महापुरुषों को छोड़ देते थे, वो भी जगह जगह जा करके परमात्मा के गुणगान किया करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड ले गए, छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जा करके भगवान का गुणगान किया। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर परमात्मा लेकर गए, साथ में सचखंड ले गए, 3 दिन में वापस छोड़ा, सारी परिस्थिति से परिचित करवाया, अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। उसके बाद आदरणीय नानक साहिब जी ने जगह जगह जा करके परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीटा। अब क्या बताते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बढ़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। महात्मा भी वहीं जाते थे जहाँ भक्त इकट्ठे होते थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहाँ जैसे कोई संत मिल गए तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित भी होते रहे। उन पत्थर पानी पूजते समय हमें कोई संत मिल जाते, उनसे चर्चा भी करते, कुछ दिन उनका संग भी करते, तो उससे हमें कुछ लाभ भी होता। फिर हमें भ्रमित कर देता कोई अज्ञानी काल का दूत कि ये क्या जाने, जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है, ये तो झूठा है, कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे इसलिए हम भ्रमित हो गए। तो वहाँ परमात्मा के संत मिलने से भी हम व्यर्थ रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर गए, हम लाभ से वंचित रहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं मिला, अपने ज्ञान से परिचित कराया और वापस छोड़ दिया यहाँ पर, उन्होंने चारों युगों में मेरी महिमा का गुणगान किया, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जगह जगह पर जा करके, और कहते हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हेल माने हेला दे कर ऊंचे आवाज दे करके, और क्या बताया कि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा रूपी तुम कंकर इकट्ठा कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती आपके सामने बखेर रहे हैं, आप अनजानपने से इनको ना स्वीकार करके और ये आन उपासना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।